दोस्तों मैं बताना वाला हूँ वीडियो में क्रोम ब्राउज़र से कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं तो उसका हिस्ट्री आप कैसे डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए अपना कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ सर्च कर रहे हैं तो जो जो साइट आप खोलेंगे वो साइट आपका हिस्ट्री में आ जाता है, तो इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी हो जाता है उस हिस्ट्री को डिलीट करना। तो दोस्तों आपको मैं बताऊँगा आपको कैसे डिलीट करना है। फिलहाल दोस्तों मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप लोग बने रहेगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं। तो चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे ओपन करते हैं। ये देखिए मेरा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया है। इसमें हम कोई भी चीज़ डायल करते हैं, जो डायल करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री में चला जाता है। मैं आप लोगों को फिलहाल सर्च करके दिखा दे रहा हूँ कैसे किस तरह से हिस्ट्री में जाता है और कैसे आपको डिलीट करना है। फिलहाल दोस्तों यहाँ मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, तो चलते हैं यहाँ लिखते हैं सरकारी रिजल्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद हम किसी एक को ओपन करते हैं, तो चलते हैं सरकारी रिजल्ट पे ओपन करते हैं इसको। ओपन करने के बाद हम यहाँ से कोई भी चीज़ें ओपन करते हैं, तो चलते हैं कोई भी चीज़ यहाँ से ले लेते हैं एक। ये देखिए दोस्तों हमने इसको ओपन कर दिया है। अब हम उसके बाद हम यहाँ से सीधे अब बैक चले जाएँगे पीछे की ओर। ये देखिए दोस्तों मैं बैग चला आया, जहाँ से मैं सर्च किया था वहाँ पे चला आया। जो जो चीज़ें मैं सर्च किया हूँ आपको मैं सब कुछ हिस्ट्री में दिखाऊंगा, मैंने क्या क्या सर्च किया है, आपको कैसे डिलीट करना है। फिलहाल दोस्तों ये देखिए आप सीधे ऊपर के साइड में आएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको एकदम ऊपर जाना है, एक साइड में आपको दिख रहा होगा तीर, जो लाल वाले पट्टी में दिखाई दे रहा होगा तीर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसमें कई ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए दे रहा है हिस्ट्री, तो आपको जाना है हिस्ट्री पे, हिस्ट्री पे क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों सबसे पहले मैंने सरकारी रिजल्ट ओपन किया है डायल करके, उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप उसके साइड पे गया हूँ। तो दोस्तों ये देखिए दो साइडें यहाँ पर छप चुकी हैं, हिस्ट्री में आ चुकी हैं। यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हिस्ट्री ओपन हो जाएगा, जहाँ पर मैं गया था सरकारी रिजल्ट पर वहाँ सीधे आपको पहुँचा देगा। यदि दोस्तों आप इसमें कोई भी आवश्यक चीज़ें ओपन करते हैं तो उसको यदि डिलीट करना चाहते हैं इसका हिस्ट्री, तो आप कैसे कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आपका यहीं से होगा। फिलहाल ये देखिए दोस्तों मैंने इसके पहले बहुत सारा सर्च किया है, तो सब कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। फिलहाल दोस्तों मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए आपको यहाँ जाना है क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ तीन ऑप्शन देगा, यहाँ पे आपको तीनों को सेलेक्ट करके रखना है, सेलेक्ट कर देना। यदि आपका मान लीजिए सेलेक्ट नहीं है तो फिलहाल यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, तीनों आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये देखिए ऑल टाइम, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों जो भी आप इसमें जो भी हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो आप स्टेप बाई स्टेप डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो भी हिस्ट्री आप डिलीट करना चाहते हैं, यदि मान लिया जाए एक घंटे के पहले 24 आवर्स दे रहा है, यानी कि 24 घंटा में जो भी आप सर्च किए रहे होंगे वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यदि आप चाह रहे होंगे 7 दिन के अंदर जो भी मैंने देखा है सर्च किया है उसको डिलीट करना, वो भी हो जाएगा। उसके बाद यानी 4 हफ्ते में जो भी आप सर्च किए रहे होंगे क्रोम ब्राउज़र से वो आप डिलीट कर सकते हैं। यदि आप ऑल टाइम पर जाएँगे जो भी आज तक जो भी आप सर्च किए रहे होंगे ऑल टाइम पे क्लिक कर देंगे ऐसे ही, उसके बाद क्लियर डाटा पे क्लिक कर देंगे तो आपका सब कुछ उड़ जाएगा, एकदम खाली हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों हमको ऑल पे करना है, यानी मेरा सब कुछ यहाँ से उड़ जाए, गायब हो जाए। तो फिलहाल दोस्तों मैं ऑल पे करता हूँ। यदि आप चाहते हैं 24 घंटे में जो मैंने देखा उसको सेलेक्ट करके डिलीट करना है हिस्ट्री, तो आप इस पर क्लिक करिएगा 24 आवर्स वाले पे, यानी 24 घंटे के अंदर वाला डिलीट हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों हमको ऑल पे करना है, सबको उड़ाना है, तो हम ऑल टाइम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद ये देखिए तीनों ऑप्शन को आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आप क्लियर डाटा पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखिए क्लियर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी डाटा रहेंगे आपका सब कुछ उड़ जाएगा। ये देखिए सब कुछ आपका डाटा यहाँ से उड़ गया है, यानी गायब हो गया है। तो फिलहाल दोस्तों मैं बाइक चलता हूँ, उसके बाद मैं फिर से यहाँ से चेक करके दिखाता हूँ कि मेरा डाटा उड़ा कि नहीं उड़ा। ये देखिए मेरा हिस्ट्री उड़ा कि नहीं उड़ा, इस पर हम हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मेरा सब कुछ खाली हो गया है, और फिर मैं कुछ भी सर्च करूंगा इसके अब आगे तो फिर यहाँ मेरा छप के आएगा। तो फिलहाल दोस्तों आपको ऐसे ही, तो दोस्तों आपको इसी तरह से डिलीट कर लेना है कोई भी आवश्यक चीज़ें। यदि सर्च किए रहे होंगे तो आपको डिलीट करना है तो आप बड़े आसानी से डिलीट कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है डिलीट करने के लिए।
तो स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएगा दोस्तों, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।